मित्रों, आज हम सीपीसी के आदेश 39 रूल 1 एंड 2 और उसी के साथ सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के साथ साथ सीपीसी के सेक्शन 151 में जो कोर्ट को अधिकार प्रदत्त हैं इंटरिम ऑर्डर्स इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास करने के लिए जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं माननीय न्यायालय के उस पर जो प्रावधान हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो दलपत कुमार और प्रहलाद सिंह के मुकदमे में दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में निर्णीत किया था कि तीन सिद्धांत जो प्रतिपादित हैं इस बारे में कि प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि इररिपेरेबल लॉस की संभावना अगर हो, आशंका हो कि ऐसा कोई इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा तो इन दशाओं में माननीय न्यायालयों को ये अधिकार है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। तो या तो कोई प्राइमा फेसाई केस हो, केस की मेरिट हो, केस के जो मेरिट के आधार पर ये माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राइमा फेसाई केस है, इंटरिम ऑर्डर जारी करने के लिए केस में इतनी सामर्थ्य है, केस इस मेरिट का है कि इंटरिम ऑर्डर जारी किया जा सकता है, तो प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और तीसरा इररिपेरेबल लॉस। तो इररिपेरेबल लॉस यदि आदेश न पारित किया गया तो जो पक्ष है उसको एक इररिपेरेबल लॉस का अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। तो इन तीन सिद्धांतों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के इस बाद में यह निर्णीत किया कि ये तीनों जो सिद्धांत हैं, तीनों जो फ्रेजेज हैं, तीनों जो वाक्य हैं, अर्धवाक्य हैं, इन पर ये कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये इनको बहुत वाइड एप्लीकेशन है और इनको इलास्टिसिटी से अप्लाई करना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो यूज़ करना है इन टर्मिनोलॉजी को माननीय न्यायालय को, इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर यूज़ करना है, बहुत रिजिड होके नहीं यूज़ करना है, बहुत ही संकीर्ण दायरे में नहीं यूज़ करना है इन शब्दों को। इन शब्दों का अर्थ बड़े ही व्यापक तौर पर न्यायालयों को लेना है इंटरिम ऑर्डर जारी करते समय। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था। उसके बाद तमाम ऐसे निर्णय आए हैं जिसमें कि इनको आगे व्याख्या की गई है। उसके पहले भी सन 93 के पहले भी 1993 के पूर्व में भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आए कि इन दशाओं में न्यायालय जो है वो इंटरिम ऑर्डर्स इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। ऐसा ही सीपीसी के आदेश 39 रूल 1 और 2 और सीपीसी के सेक्शन 151 में वर्णित है। उसी को कोर्ट ने उसी की व्याख्या की थी। धन्यवाद।